स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की ये टैक्स ऑडिट की क्लास नंबर 3 है जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। तो आज एक फेस्टिवल का दिन भी है। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। टैक्स ऑडिट 1 एंड टैक्स ऑडिट 2, ये दोनों लेक्चर पहले लिए गए हैं और यूट्यूब पे डाले हुए भी हैं, और टैक्स ऑडिट 1 और 2 का जो नोट्स है वो भी मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आज ये जो टैक्स ऑडिट 3 की क्लास दे रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि क्लास के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टैक्स ऑडिट 1 की क्लास का लिंक, उसके नोट्स का लिंक, टैक्स ऑडिट 2 के क्लास का और नोट्स का लिंक, और टैक्स ऑडिट 3 के क्लास का, ये जो अभी तुम देख रहे हो ये क्लास टैक्स ऑडिट, इसका नोट्स का लिंक, ये मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो तुम आराम से ट्रेस कर सकते हो टैक्स ऑडिट 1, 2, 3 के वीडियोज़ और नोट्स। ना कोई दिक्कत नहीं है। इत्मीनान से एकदम शांति से अपने पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहना एक एक चीज़, बहुत अच्छे से अपने स्टडी करने जा रहे हैं। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट के लिए कौन सा फॉर्म है जो गवर्नमेंट के पास जमा होता है? फॉर्म नंबर 3CD। फॉर्म 3CD इज नॉट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं मैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज फॉर्म 3CA या फिर फॉर्म 3CB। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं होता 3CD, पर पढ़ना हम लोग को 3CD पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज फॉर्म 3CD? इट इज लाइक अ डिटेल्ड क्वेश्चन एयर। इट इज लाइक अ डिटेल्ड क्वेश्चन एयर जिसमें मोस्टली PGBP, जो इनकम टैक्स में PGBP चैप्टर होता है, मोस्टली उसके सेक्शंस होते हैं और थोड़े एक्स्ट्रा सेक्शंस होते हैं, जिसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर को कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। इनकम टैक्स का वो जो पूरा का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो फॉर्म 3CD में है, वो उसको बनाएगा कौन? टेक्निकली कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट एंड हु मस्ट ऑडिट इट? CA, टैक्स ऑडिटर। तो हम लोगों को जब भी एग्जाम, अब तुम बोलोगे सर रियल लाइफ में तो क्लाइंट का फॉर्म 3CD भी हमने ही बनाया था। देखो, रियल लाइफ को तुम जाके एग्जाम में तो नहीं लिख के आओगे ना, ठीक है? एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में एकदम टेक्निकली सुन लो, मैं क्लियर बोल रहा हूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर्म 3CD? योर आंसर विल बी असेसी। असेसी मतलब अब वो कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है चाहे जो भी है, ठीक है? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द कॉन्टेंट्स गिवन इन द फॉर्म 3CD विच वॉज प्रिपेयर बाई द क्लाइंट? द आंसर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑडिटर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द कॉन्टेंट। अब अपने जो सिलेबस में ये इनकम टैक्स ऑडिट का चैप्टर होता है, इसमें पूरा एफर्ट ही फॉर्म 3CD में जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी हार्ड। अगर फॉर्म 3CD को डिटेल में अपने पढ़ने बैठ जाए, जान निकल जाती है। कई जनों ने, तुम लोगों ने काम भी किया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अभी तो इसका सीजन आ ही गया है। आज डेट है कितने? अच्छा, 1 अगस्त। आज 1 अगस्त है और अभी सितंबर आते ही वो टैक्स ऑडिट का मतलब रिपोर्ट वगैरह फाइनलाइजेशन का टाइम आ जाएगा। अब कोरोना चल रहा है तो हो सकता है गवर्नमेंट में एक्सटेंडेड, वो अलग बात है, ठीक है? सो कमिंग टू दिस वन, सबसे लंबा क्लॉज, क्लॉज नंबर 21। अब इधर उधर की बातें नहीं, अब सीधा इस पे आते हैं, ठीक है? मेरी बात को ध्यान सुनना। इनकम टैक्स फॉर्म 3CD में सबसे लंबा क्लॉज कौन सा है? 21 सबसे लंबा क्लॉज है, सबसे लंबा क्लॉज, और उसको पढ़ने में जान निकल जाती है। इनफैक्ट आज की जो क्लास होगा इसका डिस्कशन में तुम देखना, सारा टाइम अपना इसी क्लॉज 21 पे निकल जाएगा। क्लॉज 21 कितना बड़ा है? अप्रोक्सीमेटली 2 पेज का है, और फिर वो जो 3 पेज है वो तो क्वेश्चन आंसर्स है। तो 2 पेज का है ये क्लॉज नंबर 21। इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं और उसके भी फर्दर सब पोर्शंस हैं, वो सब हम लोग को डिस्कस करना है। अच्छा क्लॉज है, रिदम बना के पढ़ेंगे, समझ में सब कुछ आएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा आप समझो ये है क्या। इन ये फॉर्म, ये टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म 3CD है, सपोज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं तुम हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और क्लाइंट ने अपना ये क्लॉज 21 का पूरा ये जो डेटा है वो फिलअप कर दिया है। एंड वी हैव टू ऑडिट इट। हमारे द्वारा ऑडिट किया फॉर्म 3CD जमा होगा गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर इसी को तो पढ़ेगा टू आइडेंटिफाई कि असेसी ने कहां कहां इनकम टैक्स में चोरी की है, वो इसी को तो पढ़ेगा। तो ये क्लॉज 21 बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त क्यों है अभी पता चल जाएगा। अगर किसी भी असेसी को इनकम टैक्स इवेजन करना है तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आप अपना रेवेन्यू कम बताओ, अपनी सेल्स को कम बता दो, रेवेन्यू को अंडर रिपोर्टिंग कर दो, या फिर दूसरा तरीका है एक्सपेंसेस को बढ़ा दो। नाउ दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं। सेल्स की अंडर रिपोर्टिंग करनी इम्पॉसिबल हो जाती है जहां पर सारा का सारा कलेक्शन ही पक्के में हो,
तो वहां सेल्स की अंडर रिपोर्टिंग हो नहीं पाएगी, ऊपर से उस पर जीएसटी भी लग रहा है, तो सेल्स वैसे ही है। तो इनकम टैक्स को बचाने का एक दूसरा सबसे बड़ा तरीका है कि एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेट कर दो। ये क्लॉज 21 उन सारे झूठे मूठे खर्चे जो पीएल में तड़ातड़ डेबिट किए गए हैं टू रिड्यूस द प्रॉफिट एंड अवॉइड इनकम टैक्स, उन सारे खर्चों को ये पकड़ता है। यही इसका मेन मकसद है। ऑल दी एक्सपेंसेस जो ओवर बुक कर दिया है पीएल, डेबिट को भर दिया है ताकि प्रॉफिट गिराया जा सके, उसको ये पकड़ लेता है। स्टार्ट करते हैं पहला लाइन, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट्स डेबिटेड टू पीएल। ये नीचे लिखे हुए बहुत लंबा चौड़ाई चलते जा रहा है, ठीक है। बोला कि जितने भी ये जो अमाउंट्स हैं, ये क्लॉज नंबर ए, अभी मैं क्लॉज ए पढ़ा रहा हूं, देख लो शांति से। हाँ, ये क्लॉज नंबर ए है 21 का। बोला इतने सारे जो आइटम्स हैं, अगर ये पीएल में डेबिट किया गया है तो बताइए, वरना मत बताइए, ठीक है। तो ये सब कौन कौन से आइटम है देख लेते हैं। पहला आइटम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी ऑल नो दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर का पीजीबीपी कॉम्पिटिशन करते वक्त जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको पीजीबीपी कॉम्पिटिशन में डिडक्ट नहीं किया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट के साथ कैपिटलाइज किया जाता है और फिर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डेबिट किया गया है तो आप यहां पे बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर देगा। और अगर क्लाइंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डेबिट किया ही नहीं है तब हमें यहां रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अब एक एक करके आइटम्स देखते हैं, ठीक है। क्या क्या आइटम है? फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है पर्सनल, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़पेपर्स में ऐड करना, चौथा और पांचवा जो है वो क्लब्स रिलेटेड है, फिर पांचवा आइटम जो है दैट इज रिलेटेड टू पेनल्टीज, ये इस तरह से। तो ऐसे आपको गिनती में ज्यादा आइटम लगेंगे बट एक्चुअली है तो पांच ही आइटम, 1, 2, 3, फिर 4 दो बार लिखा है, 5 3 बार लिखा है, क्लब्स एंड पेनल्टी। अब इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ये एक्सप्लेनेशन है कुछ जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हेल्प करेंगे समझने में क्लॉज को। कहां से है सर ये एक्सप्लेनेशन? ये 2-3 जगहों से है। नंबर वन तो सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट निकाल रखा है, उसको यूज किया है मैंने। सेकेंड, कई जगहों पर इनकम टैक्स के जो सेक्शंस फॉर्म 3CD में होते हैं उसको मैंने सीधा इनकम टैक्स की साइट में जो बेयर एक्ट है उसका इस्तेमाल करके निकाला है। कई जगहों पे मैंने इनकम टैक्स के सेक्शन को लैंग्वेज को शॉर्ट और सिंप्लीफाई किया है क्योंकि ये इनकम टैक्स की क्लास नहीं है, ये टैक्स ऑडिट की क्लास है, तो मिक्स एंड ऑल है सब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 21A। सबसे पहला आइटम कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बात तो मैं बता चुका हूं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उसको अगर वो कैपिटलाइज हो सकता है किसी असेट में तब वो कैपिटलाइज होगा और डिप्रिशन क्लेम करना है। सो अगर अमाउंट को कैपेक्स के अमाउंट को डेबिट किया पीएल में, सो एओ विल एडिड बैक और हम लोग को फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करना है। नाउ गाइडेंस नोट में एक जबरदस्त बात दी हुई है और वो ये कि और जो जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि एज अ टैक्स ऑडिटर हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और विच इज नॉट कैपिटल, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो उसके लिए हमारे पास है 4 टेस्ट। आपको ये 4 टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे ऑन ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आइटम जहां आपको डाउट हो रहा है कि शायद ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर वन, क्या वो एंड्योरिंग बेनिफिट देगा असेसी को? इजी है। सेकेंड, क्या वो एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको फिक्स्ड असेट या फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे क्लासिफाई किया जा सके अकाउंट्स में? थर्ड, इज इट कनेक्टेड टू असेसीज बिजनेस? एंड फोर्थ, हो सकता है कि वो कोई इंटेंजिबल असेट क्रिएट कर रहा हो। तो बताइए, ये 4 टेस्ट यूज करके आप देखो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये तो इतना ही था, सिंपल, गुड। चलो सेकेंड आइटम पे आते हैं। देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, कोई अड़बड़ी नहीं है क्लास। तो ये मैं क्या बोलते हैं, तुमको समझ में आ ही रहा है? अगर तुमको फास्ट करना है वो तुम्हारे हाथ में, पर मेरा सजेशन है फास्ट नहीं करो, शांति से देखते जाओ, याद हो जाएगा। बहुत लंबा क्लॉज है ये, अगर इसमें तुम सोचोगे ना ऐसे हुरू हुरू करके पढ़ेंगे सब भूल जाओगे। सेकंड पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है? सेकंड, पर्सनल एक्सपेंडिचर। अगर तुम पीजीबीपी, तुमको थोड़ा सा भी याद है पीजीबीपी? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, हम लोग जब पीजीबीपी पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड। ये अलाउड कौन से सेक्शन में बोला हुआ होता है? 36।
36 इज अबाउट अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, और 36 नंबर सेक्शन के जस्ट बाद आता है सेक्शन 37 विच इज अबाउट डिस अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सेक्शन 37 बोलता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द असेसी, एसेसी का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो अगर बिजनेस के पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया है तो वो एडबैक कर दिया जाएगा। तो ये इजी था। क्या आ गया नेक्स्ट आइटम हमारे सामने है, पर्सनल एक्सपेंडिचर। कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर आपको दिख रहा है पीएल में डेबिट किया हुआ तो वो आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। ऊपर से मैंने कंपनीज एक्ट का एक पॉइंट भी डाला है। जब हम लोग कंपनी ऑडिट चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक सेक्शन आता है ना 143 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, तो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में ये बोला हुआ है कि एनी एक्सपेंसेस विच आर ऑफ पर्सनल नेचर और अगर उसको पीएल में डेबिट किया गया है तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा। मतलब देखो दो जगह, अगर पीएल में पर्सनल एक्सपेंडिचर डाल रखा है एसएससी ने तो एक तरफ मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में भी कमेंट करूंगा उसके ऊपर, और दूसरी तरफ मैं टैक्स ऑडिट करते वक्त फॉर्म 3CD में भी इसको वेरीफाई करूंगा और रिपोर्ट करूंगा अगर क्लाइंट ने रिपोर्ट नहीं किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट तीन नंबर सोवेनीर ब्रोशर ट्रैक्ट पैम्फलेट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन पैम्फलेट ब्रोशर वगैरह पब्लिश करती है, जैसे जहां तक मेरी नॉलेज है शिवसेना एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना की एक न्यूज़पेपर या मैगजीन आती है जिसका नाम है सामना। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ ना कुछ लिटरेचर पब्लिश होते रहते हैं मैगजीन वगैरह, अगर उसमें कोई भी एसएससी अपना एडवर्टाइजमेंट डालता है तो उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना नहीं जाएगा, सच एन एडवर्टाइजमेंट। ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट जो जनरली हम लोग करते हैं चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। बट सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 2B ये क्लियर बात बोलता है 37 का 2B कि एडवर्टाइजमेंट इन द मैगजीन्स एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिसअलाउड। अब एक बार को तो लगता है ओहो ये डिसअलाउड है तो ये एडबैक होगा, लेकिन गवर्नमेंट तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज की बनी हुई है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बैकडोर निकाल रखा है। वो बैकडोर क्या अभी दिखाता हूं मैं। ये देखो आप, एक तरफ तो सेक्शन 37 का 2B बोलता है कि ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में करोगे तो वो एडबैक कर देंगे, मतलब वो अलाउ नहीं करेंगे, और घुमा के फिर 80GGB और 80GGC में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो फिर फायदा क्या पड़ा, आप PGBP कंप्यूटेशन करते वक्त तो वो एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर रहे हो और एडबैक कर रहे हो, लेकिन जब आप फाइनल अपना कंप्यूटेशन करोगे टोटल इनकम का तब तो डिडक्शंस में जाके आपको उसका डिडक्शन मिल ही जाएगा, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये वो 1.5 लाख वाला 80C का लिमिट जैसा नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट आप करो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ऊपर पीजीबी में तो एडबैक करवा दिया लेकिन नीचे टोटल इनकम का कंपटीशन में आपको डिडक्शन करने मिल जाएगा, तो कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं फिर। ठीक है, खैर जो भी है हम लोगों को एग्जाम पर्पज के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा कि ऑल सच एडवर्टाइजमेंट्स इन द मैगजीन्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एडेड बैक, और वो हम लोग को रिपोर्ट भी करना है वहां पर क्लॉज 21A में। ठीक है, नेक्स्ट, ओके कंटिन्यू करते हैं। चौथा आइटम कौन सा है, क्लब एक्सपेंडिचर्स। क्लब में बेसिकली दो तरह के एक्सपेंसेस का इन्होंने जिक्र किया है, एक तो है एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन। एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी बड़े क्लब के मेंबर बनना चाहते हो तो क्लब में मेंबर बनने के लिए आपको एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, प्लस या तो वहां लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का चक्कर होगा या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता होगा। तो ये दो चीजें हो गई, एडमिशन के वक्त एंट्रेंस फीस और फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द क्लब, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कैलकटा के अंदर ही बहुत सारे ऐसे मतलब क्लब्स हैं, दे आर वेरी एक्सक्लूसिव क्लब्स, उनका मेंबर बनने के लिए भी वेटिंग लिस्ट होती है। ओके, टॉली क्लब है, हिंदुस्तान क्लब है, कैलकटा स्विमिंग क्लब है, इन क्लब्स में जब आप मेंबर बन जाते हो तो क्लब की कुछ फैसिलिटीज होती हैं वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एज अ पैकेज, वो सब्सक्रिप्शन के अंदर ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर आप क्लब की एंजॉय करते हो तो उसका आपको अलग से चार्जेस लगता है, पेमेंट करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर कैलकटा स्विमिंग क्लब के अंदर यू आर अ मेंबर और तुम वहां पे सपोज अपने फैमिली को लेके खाने के लिए चले गए, बिकॉज ये क्लब होते हैं ना, इनमें फूड सर्विसेज रहती है, रेस्टोरेंट जैसा सर्विसेज अवेलेबल होता है, तो आप अपने फैमिली के साथ या अपने किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ वहां पे मीटिंग करने चले गए और वहां पे खाना पीना आप लोगों ने कंज्यूम किया, तो उसी का वो लोग बिल बना के दे देंगे और वो आपको तब पे करना पड़ेगा, तो ये अलग होता है। तो वही नीचे लिखा हुआ है क्लब सर्विसेज, ठीक है। तो क्लब्स वाले ये दोनों पॉइंट को लेकर यहां पे क्यों हमें कमेंट करना है मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो क्लब का एक्सपेंडिचर हो सकता है कि पर्सनल नेचर का हो, पर ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस नेचर का हो। अब अगर मान लो हमारा जो क्लाइंट है असेसी है, वो अगर ये क्लब सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है तो बिजनेस एक्सपेंस है, वो अगर ये क्लब सर्विसेज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने पार्टनर्स वगैरह को बिजनेस एसोसिएट्स को दे रहा है तो बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन वो अगर खुद एंजॉय कर रहा है तो पर्सनल है। तो इसीलिए हम लोग ये साफ तौर पे तुरंत नहीं बोल रहे हैं कि सच क्लब एक्सपेंडिचर्स विल बी डिसअलाउड। यू कैन नॉट से इट लाइक दैट कि सच क्लब एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड। आप बस यहां पर रिपोर्ट करके बता दो, वो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के नजरों में आ जाएगा। अब उसको अगर तहकीकात करनी है, फाइल को स्क्रूटनी में लेनी है, स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, तो वो करता रहेगा। हमें हम ये नहीं कह रहे कि डिस अलाउड होगा, बस आप रिपोर्ट करके बता दो। अच्छा, एज एन ऑडिटर हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, हम जब ये क्लब वाली सर्विसेज वगैरह को चेक करेंगे कि इतना अमाउंट लगा है, तब हमें वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहीं वो पर्सनल नेचर का तो नहीं है। अगर वो पर्सनल नेचर का है तब वो हम यहां पे रिपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ये क्लब सर्विसेज की कीमत को वेरीफाई करते हैं तो हमें लगा कि ओ ये तो डायरेक्टर वगैरह का पर्सनल खर्चा है, तब इसको हम ऊपर वाले पॉइंट नंबर 2 में रिपोर्ट कर देंगे यहां पर। और अगर हमें लगता है नहीं वो बिजनेस एक्सपेंस है, तब हम यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। तो अगर वो बिजनेस नेचर का तब वो अलाउ होगा, तब उसकी आप चिंता ना करो, बस बता दो यहां पे ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाए। फॉर्म 3CD बना इसलिए है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को चोरी पकड़ने में हेल्प हो सके। तो आप डेटा दे दो, बाद में उनको अगर स्क्रूटनी करनी है तो उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये जो 3 आइटम्स हैं, पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। इंटर का बच्चा बच्चा जानता है कि अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ डिसअलाउड हो जाता है। आओ देखते हैं, ये तो मैंने बताई दिया आपको एक्सपेंसेस क्लब्स को लेकर। नेक्स्ट ये रहा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो बोला हुआ है दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड इट शैल बी डिसअलाउड। तो सिंपली स्पीकिंग पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक जोरदार पॉइंट बोला गया है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये रहा, ये क्या है आप देखो, समझाता हूं मैं, ठीक है। हमारे क्लाइंट का किसी पर्सन के साथ बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिक्विडेटेड डैमेज या डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज रहता है। तो अगर मान लो कि हमारे क्लाइंट ने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। सच डैमेजेस आर नॉट पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, दे आर नॉट पेनल्टीज। वो कोई लीगल पेनल्टी नहीं पे कर रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ डैमेज पे कर रहा है, ठीक है। तो पढ़ो रेड कलर में जो अनलाइन अभी मैंने जस्ट हाईलाइट किया ना, पढ़ो, दिस क्लॉज कवर्स ओनली पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड नॉट द पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच और लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो इसमें डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है। ये रहा, अब यहां पर इन्होंने हमसे तीनों चीजें पूछी है। नंबर 1 इन्होंने हमसे पूछा है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, फिर बोला है कि लॉ के अलावा भी अगर कोई चीज का पेनल्टी या फाइन दिया है तो वो बता दो। तो अभी अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे ना, सपोज मान लो क्लाइंट ने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच किया है और उसके लिए उन्होंने कुछ डैमेजेस पे किया है, तो वो भी आप यहां पर बता दो। कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर को पता तो चल जाएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, फिर अगर उसको डाउट होता है तो वो स्क्रूटनी करता रहेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मान लो आपने पेनल्टी नहीं पे किया, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम किया है,
जो एक्चुअली में ऑफेंस है, ब्राइब्स वगैरह पे किए हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ब्राइब हो गया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल डैमेजेस हो गए, तो ये सब आपको रिपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा खाली पहला हुआ है, क्लॉज नंबर 21 का पहला सब पार्ट, जो सब क्लॉज है ए, खाली वो हुआ है अभी हम लोग का, ये देख लो इतना। तो इसको एक बार रिकैप करा देता हूँ, ध्यान से सुन लो। इसमें कुल मिला के 1 2 5 एट आइटम्स हैं। एट आइटम्स को हम लोगों ने 5 पॉइंट्स में क्लासिफाई किया है। ये मत रट्टा मार लेना कि जो भी आइटम्स यहाँ लिखे हैं वो सारे डिसअलाउड होते हैं, नहीं, इनमें से कुछ डिसअलाउड होते हैं और कुछ अलाउड होते हैं। बस इनकम टैक्स ऑफिसर चाहता है कि इसकी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर ले फॉर्म 3CD द्वारा, बिकॉज समटाइम्स जो अलाउड होता है ना, दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स फॉर टैक्स इवेजन, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहता है। कैपेक्स अलाउड नहीं है, बिजनेस ये पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिया हुआ कोई एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, पर उसका डिडक्शन तो मिल ही जाएगा 80 GGB और GGC में बैकडोर से। फिर क्लब्स वगैरह अगर पर्सनल पर्पस के तो अलाउड नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए तो अलाउड है। पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ अलाउड नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच का जो डैमेजेस है वो अलाउड है, और लास्ट वाला ब्राइस वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, दैट वॉज 21A। अब ये खत्म होता है, ठीक है, अब ये खत्म होता है। अब एक चीज और, इसको क्लोज करने के पहले एक गौर से देखो, वो जो ऊपर एकदम टॉप में ग्रीन कलर है, अमाउंट डेबिटेड टू PL, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर ए के रिस्पेक्ट में है, या आगे जाते हुए BCD वगैरह उसमें ये लाइन नहीं है। 21 का ए अलग है, 21 का बी अलग है, 21 का सी अलग है, सब अलग अलग है। तो अब जो नीचे आइटम्स आते जाएंगे ना, उनमें आप ये मत बोलना अमाउंट डेबिटेड टू PL, वो सिर्फ ये पहले वाले इस पोर्शन के लिए था। ठीक है, अब ये नया चालू हो गया, क्लॉज नंबर 21 का बी, ये नया स्टार्ट हुआ है 21 का बी, इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, वो बीच मुझे बीच बीच में मुझे स्क्रीन को देखना पड़ता है कि साउंड सही चल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ध्यान से, 21 का बी एकदम क्लियर हेडिंग है। क्या हेडिंग है ऊपर? अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40, अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए, 40 क्लॉज ए। एक छोटी सी चीज है, डिस्कस कर देता हूं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है देख लो। यार ये 40 का स्मॉल ए और 40 कैपिटल ए, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। जो क्वालिफाइड लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको तो ये सब पता है, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, फाइनल के भी सारे स्टूडेंट्स पता हो, उनको पता होगा, पर कभी बार क्या होता है छोटे क्लास जो होती है इंटर वगैरह वो लोग भी देख लेते हैं, तो मैं जस्ट समझा देना चाहता हूँ, ध्यान से देख लो आप। यार इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 40, और नीचे वाला जो है ना वो अलग चीज है, उसको बोलते हैं अपने सेक्शन 40A। मतलब वो सेक्शन 40 है ही नहीं, इट्स अ सेपरेट सेक्शन। आप इसको 40A नहीं मान के 41 42 जैसा दर्जा दो। ठीक है, ऊपर वाला है सेक्शन 40, नीचे वाला है सेक्शन 40A, एकदम अलग है वो। ऊपर वाले को अपने बोलते हैं सेक्शन 40 क्लॉज ए। क्या बोलते हैं? सेक्शन 40 क्लॉज ए। ठीक है, दैट इज द वे वी शुड प्रोनाउंस। पर पढ़ाते वक्त या बातचीत करते वक्त हम लोग इतने डिटेल में कोई बोलता नहीं, टाइम पास लगता है, बस एक बार जान लिया काफी है, तो फिर तो हम लोग एक ही बात होता है 40 का ए या 40A, इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 40 क्लॉज ए, ये भी डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। ओके ना, ये टैक्स ऑडिट की भी जो मेरी क्लासेस मैंने पुट की थी 1 2, बहुत डिटेल में पुट की थी। तुम अगर यूट्यूब में मेरा कोई भी वीडियो देखो, इंश्योरेंस ऑडिट का भी पूरा वीडियो मेरा डाला हुआ है, इंश्योरेंस ऑडिट के 4 वीडियोज हैं और टैक्स ऑडिट की भी 2 वीडियो डाले हुए हैं, यू विल फाइंड एकदम भयंकर डिटेल में कवरेज होता है, एक एक चीज समझ के, कोई भी ऊपर ऊपर से नहीं। इनफैक्ट इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी ये टैक्स ऑडिट का वीडियो देखा, मेरे को पर्सनली फोन करके वो लोग मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। इतने सीनियर लोग फोन करते हैं तो बहुत ही ऑब्वियसली अच्छा महसूस होता है, मतलब पूरे रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि उनको भी मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आता है। कैलकटा के अंदर ही मतलब एक पोद्दार छात्र निवास बहुत बड़ा एक हॉस्टल है, वहां से क्वालिफाई किए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 80 मतलब 80s समथिंग में हु बिकेम अ CA, उनका भी कॉल आता है, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो था, अच्छे करते रहो, ये सब अच्छा लगता है, तो इट इज़ वेरी मतलब एनकरेजिंग। फिर इससे हिम्मत मिलती ही करें,
और हमेशा मेरे YouTube में कमेंट्स तो आते ही रहते हैं कि प्लीज़ अपलोड टैक्स ऑडिट का 3, तो वो अभी तक हुआ नहीं था, इसलिए पुट नहीं किया था, इसीलिए अभी पुट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट कर लो, देख लो इधर, अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए। अब ये बहुत बड़ा है, मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगा। ऊपर देखो 21A, 21B, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, ये देखो रोमन 1 है यहाँ, ये रोमन 2 है, ठीक है, काफ़ी लंबा है ये रोमन 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सबको डिस्कस करने में टाइम लगेगा, तब जाके कहीं आएगा 21C। सो टाइम लगेगा, अभी पेशेंस के साथ करोगे एकदम आराम से होगा। ऊपर से इसमें क्या है ना, एक एक सेक्शन के क्लॉज के सब क्लॉज का रेफरेंस दे दे के लिखा हुआ है। अब अगर वो हम लोग जाकर नहीं देखेंगे तो हम लोग क्या समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, सबसे पहले है क्लॉज 21, सब क्लॉज बी, फर्दर रोमन 1। अब इसमें क्या है, इसके अंदर है सेक्शन 40 का ए का आई, और इसमें नीचे वाले में है सेक्शन 40 का ए का आई ए, इस तरह से ये, ठीक है, मतलब ये इस तरह से मूव करता है। एक्चुअली इट्स नॉट आई ए, इट्स रोमन 1A, ओके। तो ये इस तरह से मूव करते जा रहा है, 40 का ए का रोमन 1, 40 का ए का रोमन 1 का ए, फिर यहाँ पर सेक्शन नंबर 40A 1C, ये देखो सामने अंदर में तुम लोगों को दिख रहा होगा लिखा हुआ 1C, ठीक है, फिर भाई सेक्शन नंबर 40A 2A, सेक्शन नंबर 40A 2B, 3, 4, 5, इस तरह से। तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज ए के अंदर जो फर्दर सब क्लॉजेस है उसको लेकर पूरा एकदम इतना लंबा बनाया हुआ है, और इनमें सब में अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान है, तो वो थोड़ा सा अपने को अभी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले ये रहा सेक्शन नंबर 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ओके, इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये किस चीज के ऊपर है, ये है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, वो होता है ना इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एनी अदर अमाउंट चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उनके ऊपर जब आप किसी नॉन असेसी जब किसी नॉन रेसिडेंट को पे करता है या आउटसाइड इंडिया पे करता है, तब उसको उस पर टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। और अगर उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके जमा नहीं किया, तब वो पूरा का पूरा पेमेंट 100% डिसअलाउड हो जाता है। वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। इट इज अबाउट नॉन रेजिडेंट्स, कि नॉन रेजिडेंट को जब आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एनी अदर अमाउंट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, जब आप वो उनको पे करते हो आउटसाइड इंडिया या नॉन रेजिडेंट को करते हो, तो आपको TDS डिडक्ट करके सरकार के पास जमा करना है, नहीं करोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड, ओके। इसी की तुलना में नीचे ये वाला क्लॉज है 40A 1A, ये है पेमेंट टू रेसिडेंट्स, ये है पेमेंट टू रेसिडेंट्स, ठीक है। यहां पर 100% डिसअलाउड नहीं होता, 30% डिसअलाउड हो जाता है। नॉन रेसिडेंट के केस में अगर आप TDS नहीं काटोगे पेमेंट के वक्त, तो 100% डिसअलाउड। रेसिडेंट के केस में अगर आप पेमेंट करते वक्त TDS नहीं काटोगे, तो 30% डिसअलाउड। आगे बढ़ेंगे, अच्छा बिफोर मूविंग अहेड थोड़ी सी बात करते हैं। TDS जमा करने का, TDS जमा करने का लास्ट डेट क्या होता है, सेक्शन नंबर 200, सेक्शन नंबर 200, सुनना प्लीज, जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है, सेक्शन नंबर 200 में दिया हुआ है, हर महीने के अगले महीने का 7 तारीख, मतलब सिंपली इंग्लिश में बोलूं तो 7th of the next month। ये TDS का रिटर्न जमा करने का नहीं है, TDS का रिटर्न तो क्वार्टरली जमा होता है, वो अलग है। TDS का पैसा जमा करने की लास्ट डेट कौन सी होती है, 7th of the next month, मतलब अप्रैल में आप अगर पेमेंट करोगे तो 7 मई तक आपको TDS जमा करना है।
जुलाई में अगर आप पेमेंट करोगे तो 7 अगस्त तक आपको जमा करना है। मार्च महीने में, जो कि साल का आखिरी महीना होता है, अगर मार्च महीने में आप पे करोगे तो 30 अप्रैल, मार्च महीने पे करोगे तो 30 अप्रैल तक आपको टीडीएस जमा करना है। ये जो टीडीएस जमा करने की टाइम लिमिट्स है, ये कहाँ दी हुई है? सेक्शन नंबर 200 में। ओके, तो हम लोग अगर सोचें तो पूरे साल भर का जो टीडीएस है वो लास्ट टू लास्ट जमा कब तक हो जाएगा? 30 अप्रैल, यही बात है। और पहले इनफैक्ट सेक्शन में भी यही बोला हुआ था, सेक्शन 40A में, कि ये जो भी टीडीएस है नॉन रेजिडेंट्स का या रेजिडेंट्स का, इट शुड बी डिपॉजिटेड विद इन द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 200। लेकिन बाद में ये अमेंड हो गया, बाद में बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, केस लॉज हुए, और कोर्ट ने बोला कि अगर इनका टीडीएस का अमाउंट रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले भी जमा कर देते हैं, रिटर्न फाइलिंग डेट कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 139। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले भी जमा कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द असेसीज कॉर्पोरेट असेसी के एंगल से पढ़े तो 30 सितंबर का डेट होता है, तो बता रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी अगर आप जमा करा देते हो तो भी आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। पर बावजूद उसके एक अजीब बात है कि सेक्शन में अभी भी देखो 201 का लिमिट दिया हुआ है। तो यहां पे तुम लोग लिखो, फॉर्म 3CD में तो यही लिखा हुआ है 200, लेकिन अब सेक्शन में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा कर लेना तुम लोग भी, ठीक है? तो इट हैज टू बी डिपॉजिटेड लास्ट टू लास्ट विद इन द रिटर्न फाइलिंग डेट, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है? चलो एक बार देख लेते हैं। ये पहला क्लॉज, ओके, अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40(1), नॉन रेजिडेंट्स को आप पेमेंट करते हो तो क्या क्या, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट पेड आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके पे नहीं किया, तो रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले। देख लो, सेक्शन खुद बोल रहा है रिटर्न फाइलिंग डेट, जो कि मोस्टली 30 सितंबर निकल के आएगी, बिकॉज कॉर्पोरेट असेसीज ही होते हैं, ठीक है? तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक करते हो तो। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक प्रोवाइजो भी है, बड़ा जोरदार प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो बोलता है कि मान लीजिए आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा नहीं कर पाए, आपने लेट कर दिया, तब उस केस में बोलते हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में जमा करोगे उस प्रीवियस ईयर की फाइल में डिडक्शन मिल जाएगा। यानी मान लो कि हम लोगों ने किसी भी नॉन रेजिडेंट को पे किया था, पेमेंट किया था जनवरी 20 में, तो इनके अनुसार लास्ट टू लास्ट कब तक पे हो जाना चाहिए? 30 सितंबर 20 तक, रिटर्न फाइलिंग डेट तक, करेक्ट? पर हम लोगों ने 30 सितंबर 20 तक नहीं किया, हम लोगों ने जमा किया आप मान लो दिसंबर 20 में, सपोज दिसंबर 20 में, तो अब उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, पर अगले असेसमेंट ईयर में मिलेगा, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग डेट तो 30 सितंबर की वो पार हो गई। तो अब दिसंबर 20 में अगर आप जमा करते हो तो फिर वो क्रॉस हो गया, अब आप प्रीवियस ईयर देखो, तो दैट मीन्स इट इज द प्रीवियस ईयर 2021, तो आपको असेसमेंट ईयर 21-22 में उसका रिडक्शन मिल जाएगा। उसके ठीक नीचे वाला जो क्लॉज था 40(1)A, वो रेजिडेंट्स के ऊपर है, यहां पर सिर्फ 30% देख लो, यहां 30% डिसअलाउ होगा, 70% अलाउ हो जाएगा रेजिडेंट्स। अच्छा, रेजिडेंट्स के केस में ये नहीं बोलते ये लोग कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ना ना, यहां ऐसा ही लिखा है, ठीक है? इसमें भी वही बात है, अगर आप रिटर्न फाइलिंग डेट 139(1) के अंदर देते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद दोगे तो अगले असेसमेंट ईयर में वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम लोगों को ये पूरा डिटेल्स यहां पे फर्निश करना है, पूरा डिटेल्स। टीडीएस जब ऑडिट पे जाते हैं ना, तो टीडीएस इज लाइक अ बिग थिंग, पूरा चेक करने में टीडीएस एकदम जान निकल जाती है, क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट अगर आपके हाथ में कंपनी, तो उन्होंने साल भर में न जाने कितने पेमेंट्स किए होंगे, सबका टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं किया, टाइमली जमा किया है कि नहीं किया, उसका हम लोग क्लाइंट को शेड्यूल भी पूरा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट से, कि मतलब एक्चुअल ड्यू डेट क्या था, कब आपने जमा किया, सब कुछ मैच कराते हैं, तो टीडीएस पे तो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये यहां भी काम आएगा, और फॉर्म 3CD में आगे एक और क्लॉज है टीडीएस के ऊपर डिटेल में, उसमें भी काम आएगा डिस्कशन, ठीक है? तो सबसे पहले कि पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, रोमन 1 एक समरी बता देता हूँ। इफ द असेसी हैज मेड एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एसेट्रा टू अ नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया वेयर टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स और इट हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, देन सच अमाउंट शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग PGBP। पहला पॉइंट ये हुआ, आपको डिटेल सारे फर्निश करने हैं। नेक्स्ट, एनी पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट
शैल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, ओनली 30% विल बी डिसअलाउड इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड और नॉट डिपॉजिटेड। तो आपको डिटेल्स फर्निश करने हैं। अच्छा, टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे? 139 का वन। अब फॉर्म 360 में 200 लिखा हुआ है, ओके, पर अभी अभी हम लोग सेक्शन में खुद देख क्या है कि सेक्शन खुद बोल रहा है 139 का वन। नेक्स्ट, अब हम लोग ये एक एक करके जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक एक करके, हाँ ये डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे पहले रोमन थ्री में क्या लिखा है? आईसी नहीं है, 1C है, सेक्शन 40 का ए का 1C। ये सिंपल है सारे। एनी अमाउंट ऑफ FBT फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक समय कभी आया था जो अब अबॉलिश भी हो चुका है, पर इन्होंने फिर भी बोल दिया कि FBT का कोई भी पोर्शन अगर पे वगैरह हुआ है तो वो डिसअलाउड होगा। वेल टैक्स भी अबॉलिश हो चुका है। 2009 में जब मैं फाइनल का स्टूडेंट था तब हम लोग के सिलेबस में ये था वेल टैक्स। अब वेल टैक्स तो गया पर फिर भी क्लॉज में दिया हुआ है, अभी भी सेक्शन है। नेक्स्ट ये वाला नंबर 5, 40 का ए का रोमन 2 का बी। स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है और वो अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लाइसेंस फीस वगैरह बोल के पेमेंट कर रही है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अच्छा, दिस पर्टिकुलर क्लॉज यू हैव टू चेक ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है उसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, टैक्स ऑडिट, तब आपको ये वाला देखना है, वरना देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो ये हम लोग अपने सारे SECs के नहीं देखते, खाली स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो देखना पड़ता है। ये क्या नौटंकी है मैं बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट पैसा निकालना चाहती है इन अपने कंपनियों से, तो अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी डिविडेंड बोलकर पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हु इज द ओनर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है मोस्ट 90% इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर उनसे पैसा निचोड़ना है तो डिविडेंड बोल के लेंगे। अभी डिविडेंड बोल के लेंगे ना तो उसके ऊपर एक तो डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा इस कंपनी को PGBP में, क्योंकि डिविडेंड एक्सपेंडिचर नहीं होता, और ऊपर से डिविडेंड पे लग जाएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ना अपने ही इन कंपनियों से पैसा जब उठाता है तो उनको थोड़े से इनोवेटिव टाइप के नाम दे देता है, लाइक लाइसेंस फीस, रॉयल्टी, सर्विस फीस, प्रिविलेजेस एटसेट्रा। तो भारत सरकार इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए बोला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी से कोई भी पैसा बोल के निचोड़ रही है तो उसका याद रहे कि इस बेचारी कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। PGBP कंप्यूट करते हो तो इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला इस अमाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट 21B का 6, एनी सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट, भारत के बाहर या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को अगर SSC ने सैलरी पे किया है और उस पर TDS नहीं काटा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोविडेंट फंड, ये थोड़ा सा कई जनों को हार्ड लगता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जिस दिन तुम लोग स्टूडेंट्स मान के मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग अगर आप स्टूडेंट हो या आप मान लो वैसा सोच लो कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, यू आर एन एम्प्लॉई, तो आपका जो बॉस होता है ना वो हर महीने आपके सैलरी से PF का पैसा काट काट के जमा करता है। वो आप ही का पैसा है जो PF में पड़ा है। PF में जो पैसा जमा होते रहता है एक एम्प्लॉई का, उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकता। प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा भारत सरकार के कंट्रोल में, आपके बॉस के कंट्रोल में नहीं है। प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा जो जमा होता है वो पूरा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सख्त नियम बना रखे हैं कि एक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से कौन कौन से वक्त पर पैसा निकाल सकता है, आप हर बार नहीं निकाल सकते। तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई भी एम्प्लॉई अपने PF से पैसा निकालता है, ठीक है, एक्सेप्ट इन दोस केसेस वेयर इट इज अलाउड, तब उसको मतलब उस वो विड्रॉवल पे टैक्स लगता है। लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल, ताकि तुमको क्लियर हो जाए। 2011 में आई वर्क्ड इन KPMG, वो मेरा फर्स्ट जॉब था, तो एम्प्लॉय था मैं KPMG के अंदर।
तो उस वक्त क्या होता है कि मेरे नाम का एक पीएफ में पैसा जमा होते जा रहा था। एक साल तक मैंने काम किया तो प्रोविडेंट फंड के अंदर अराउंड 1 लाख रुपए सब कुछ ऐसे जमा हो गए थे। ठीक है, अब आप समझो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी पोर्शन है उसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 80C में एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ में जो भी पैसा गया उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो जब मैं केपीएमजी को छोड़ के गया तो मैं तो एक साल में छोड़ दिया, तो वो 80C का जितना भी डिडक्शन मुझे पीएफ का मिला था वो पूरा रिवर्स होगा और मेरे नेक्स्ट ईयर में मेरी इनकम में वो ऐड होगा और मुझे उस पर टैक्स देना पड़ा। ठीक है, यही नियम है। तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है दैट ही हैज टू मेक अरेंजमेंट्स दैट कोई भी एम्प्लॉय अगर पीएफ से अनऑथराइज तरीके से पैसा निकाल लेता है, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको अपने पीएफ से पैसा विड्रॉ करना है ना तो आपको फॉर्म भर के अपने एम्प्लॉयर से साइन कराना पड़ता है। तो अगर आपने एम्प्लॉय ने विड्रॉ कर लिया है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू इंश्योर कि एम्प्लॉय उस पर टैक्स देगा, और अगर ऐसा नहीं है तब फिर एम्प्लॉयर खुद पीएफ में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो थोड़ा सा घुमा के पढ़ते हैं। एनी पेमेंट टू अ प्रोविडेंट फंड मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, शैल बी डिसअलाउड अनलेस अनलेस द असेसी मतलब एम्प्लॉयर हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स टू सिक्योर दैट टीडीएस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी पेमेंट मेड फ्रॉम द फंड विच आर चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द हेड सैलरी। मतलब जब एम्प्लॉई पीएफ से पैसा वो निकालेगा तब उस पर फिर टीडीएस कटना चाहिए। तो ये मतलब एक्चुअली में बहुत मुश्किल चीज थी। तुमको लगा कि ओ एम्प्लॉयर को क्या अरेंजमेंट करना है, अरे अगर आप सब, मैं तो छोड़ दिया था केपीएमजी को तो भी मुझे जब विड्रॉ करना पड़ा पैसा तो मुझे उनकी अप्रूवल लेनी पड़ी थी। लेकिन सोचो कि कोई एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है कंपनी में और उसके घर में कोई कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया है, कुछ अर्जेंसी हो गई है जिसके लिए उसे पीएफ से पैसा उठाना है, तो उस केस में भी उसको अपने ये बॉस से कराना पड़ेगा साइन। तो उसमें सिस्टम होता ही है कि उस पर फिर विड्रॉवल पे टीडीएस कट जाता है। ठीक है, तो लोग यही बोल रहे हैं कि टीडीएस कट जाना चाहिए ऑन सच विड्रॉवल्स, नहीं तो फिर वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को डिडक्शन के फॉर्म में पीजीबी में अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये 21B का लास्ट क्लॉज है। ये अभी हम लोगों ने 1C किया, 2A, 2B, 3, 4, अभी लास्ट करने जा रहे हैं 5, सेक्शन 40A का 5। ठीक है, चलो देखते हैं। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। अगर तुम फाइनल के स्टूडेंट हो तो, जो कि 90% चांस है कि यू आर अ फाइनल स्टूडेंट तभी तुम ये टैक्स ऑडिट क्लास देख रहे हो, तो तुमको मैं याद दिला दूं, एक्चुअली होता क्या है जब अपने फाइनल में आ जाते हैं तो अपने को इंटर का सैलरीज वाला हेड पूरा भूल जाता है। परक्विजिट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। परक्विजिट कैन बी इन कैश और काइंड। तो परक्विजिट एक फैसिलिटी होता है। परक्विजिट और अलाउंस में एक फर्क क्या होता है? अलाउंस हमेशा एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर महीने आपको सैलरी के साथ मिलता है, जबकि परक्विजिट हर महीने फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे होता है या फैसिलिटी एंजॉयमेंट बेसिस पे होता है। नाउ देर आर लॉट ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स विच आर गिवेन बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को एक दिन में 150 रुपये का थाली या मील प्रोवाइड करती है। 50 रुपये का मील तक तो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन 150 रुपये की थाली प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉयज लोग जाके कैंटीन में खाना कंज्यूम करते हैं रोज की रोज, दैट्स अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अब इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को भी एम्प्लॉयी के सैलरी में तो ऐड किया ही जाता है, तो एम्प्लॉयी अपने कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स भी पे कर दो। तो कंपनी ने बोला चलो कोई नहीं, सबको जो भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हम लोग दे रहे हैं उस पर टैक्स भी हम ही दे देंगे। तो एनी टैक्स पेड बाय द कंपनी मतलब एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए तो वो एग्जेम्प्टेड है, पर एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एज पर सेक्शन 40 क्लॉज ए फर्दर सब क्लॉज 5, द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन सच नॉन मॉनेटरी परक्विजिट शैल नॉट बी डिडक्टेबल। तो मतलब एम्प्लॉय का ही फायदा है, एक तो एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट भी मिल गया, उसके अलावा उस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर जो टैक्स का पोर्शन आता है वो भी बॉस ही पे करेगा, और बेचारे बॉस को उस टैक्स पेमेंट पे कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा अपनी पीजीबीपी के कंप्यूटेशन में। ये देख लो इतना लंबा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है,
सबसे पहले 21A से अपनी कहानी स्टार्ट हुई थी, दिस पोर्शन इज डन। अभी अपने 21B में आए और 21B के अंदर कितने पार्ट्स हैं, आठ पार्ट्स हैं। तो वो आठ पार्ट्स क्या क्या है एक बार अपने फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला, ये है टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू नॉन रेसिडेंट। तो यहां पे लिख लो शॉर्ट में, उसे क्या ना याद रहेगा। ये नोट्स तो डाले हुए ना मेरे वेबसाइट में, तो जब प्रिंट आउट निकालोगे तो बगल में से लिख लेना, बहुत ईजी रहेगा। उतना लंबा लंबा थोड़ा जाके पढ़ना है। अब तुम एक बात सोचो, ये जो तुम देख रहे हो यार यहाँ पे इतना लंबा लंबा जो एक्सप्लेनेशन है, ये तो पीजीबी भी है पूरा। अब टैक्स और पढ़ते हो क्या पूरा पीजीबी भी बैठ के रिवाइज करोगे क्या बुक उठा के? कोई सेंस नहीं बनता। समझ लिया एक बार मेरे से, सुन लिया है, अब बस छोटा छोटा वहां पे लिख लो जाके वहीं पे, उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू लाइक लर्न सो मच। ओके, ये तो एक बार, बस एक बार सुनने के लिए होता है। ये रहा सेकंड पॉइंट किस चीज पे है, ये सेकंड पॉइंट किस चीज पे, टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट्स। इसमें याद रहे 30% डिसअलाउड होता है। अब ये छह क्लॉजेस हैं, ये किन चीजों के ऊपर है देख लेते हैं एक बार। एफबीटी, वेल्थ टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एफबीटी, वेल्थ टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। सैलरी पेड टू नॉन रेसिडेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, और ये लास्ट है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। सैलरी टू फॉरेन एम्प्लॉय, सिंपल याद रखने के लिए। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, टीडीएस ऑन विड्रॉवल। अगर विड्रॉवल पर टीडीएस काटने की अरेंजमेंट नहीं है तब एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिसअलाउड हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। ये था 21 का बी। एक बार फटाक से देख लेते हैं 21 का ए क्या था। 21 का ए था, इफ द फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन डेबिटेड टू पीएल, तो आपको इसके ऊपर डिटेल्स इंफॉर्मेशन देना है। सम ऑफ देम आर डिसअलाउड, सम ऑफ देम आर अलाउड। 21 का बी, ये पूरा का पूरा रेंज जो है 21 का बी, ये कौन से सेक्शन के ऊपर है, 40 क्लॉज ए। ये पूरा का पूरा 40 क्लॉज ए के ऊपर है। इसमें अब आठ पोर्शंस है। नंबर वन, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह दिया था, टीडीएस नहीं काटा। नंबर टू, रेजिडेंट को पेमेंट किया था, टीडीएस नहीं काटा। रोमन थ्री है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का अमाउंट अगर आपने डाला है तो वो हटाना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स हटाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस रॉयल्टी वगैरह बोल के कुछ दिया है तो वो डिसअलाउड है। सैलरी पेड टू फॉरेन एम्प्लॉय विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, नॉट मेड अरेंजमेंट्स फॉर टीडीएस डिडक्शन ऑन द विड्रॉवल्स आउट ऑफ पीएफ, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। एंड लास्ट, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परपजेस। अब यहां से स्टार्ट होगा 21 का सी। हेलो, ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्लॉज नंबर 21 का सी एकदम अलग है, एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इफ यू आर एन इंटर और अ फाइनल स्टूडेंट, तो मेरी बात को ध्यान सुनो। जब पीजीबी भी चैप्टर पढ़ा होगा कभी भी तुमने, तो उसमें ना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी उसी में सिखाया जाता है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, इसके अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह पे करता है, और इसके अलावा प्रॉफिट्स पे करता है। तो प्रॉफिट्स की यहां हम कोई चर्चा नहीं करने वाले, हम लोग चर्चा करें दो चीजों की। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, या फिर सेकंड, सैलरी बोनस कमीशन। ये सैलरी बोनस कमीशन सबको मिला के अपने बोलते हैं रेमुनरेशन। सैलरी बोनस कमीशन सबको मिला के बोलते हैं अपने रेमुनरेशन, पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब इन दोनों के अंदर ही ना
सेक्शन नंबर 40 क्लॉज बी। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या पढ़ा रहा था, 40 का क्लॉज है, ये देखो थोड़ी देर पहले अपने क्या पढ़ रहे थे यहां पे, 40 का क्लॉज ए, अब अपने क्या पढ़ रहे हैं इधर, 40 का क्लॉज बी। मैं कलर कर रहा हूं, ये देखो। तो कोई भी इंटरेस्ट बोल लो या सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन बोल लो, इस पर ना सेक्शन 40 क्लॉज बी में कुछ लिमिट्स डाली हुई है, वेलकम टू दैट लिमिट्स, कुछ लिमिट्स डाली हुई है। अगर फर्म उतने लिमिट तक अपने पार्टनर को इंटरेस्ट या रेमुनरेशन देता है तो अलाउड इज डिडक्शन, उससे ज्यादा देता है तो वो डिसअलाउड हो जाता है। यहां पर हमें अलाउड पोर्शन नहीं बताना है, यहां पर हमें डिसअलाउड पोर्शन बताना है। यानी अगर एक फर्म ने अपने पार्टनर को कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे दिया है, 12% का वहां पे रेट होता है, तो 12% तक तो अलाउड है, उससे ज्यादा अगर दिया है तो वो एक्सेस पोर्शन डिसअलाउड है, वही हमें यहां पे रिपोर्ट करना है। पढ़ो आप, अमाउंट डेबिटेड टू पीएल बीइंग इंटरेस्ट, ये एक हुआ, इंटरेस्ट की लिमिट होती है 12% पर एनम और द अमाउंट मेंशन इन द डीड विच एवर इज लोअर, और ये सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन को एक साथ ही पकड़ते हैं, टू इनको मिला के रेमुनरेशन ही बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन होता है कि पहला 3 लाख रुपया तक वो 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स, उसके बाद होता है 60% ऑफ बुक प्रॉफिट्स, वो लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट्स के डिटेल में भी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो अगर इतने लिमिट्स तक आप देते हो तो भाई वो अलाउड है, उससे ज्यादा देते हो तो इनएडमिसिबल, एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड। लिमिट तक दोगे अलाउड, लिमिट से ज्यादा दोगे डिसअलाउड। तो लिमिट से ज्यादा कितना है, हाउ मच इज द एक्सेस अमाउंट, वो इनएडमिसिबल है, वही हमें यहां रिपोर्ट करना है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा बात करते हैं इस पे और सुनो। ये आपको दिख रहा होगा दो है, 40 का बी और 40 का बी ए। ठीक है, बी इज अबाउट पार्टनरशिप फर्म एंड बी ए इज अबाउट एओपी, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो हम लोग एओपी के ऊपर ज्यादा गंभीर बात नहीं करेंगे, हम लोग मेन बात करेंगे फर्म के बारे में। फर्म के बारे में जो सीखोगे ना, एओपी पे ऑलमोस्ट वैसा ही लगता है। ठीक है, तो ये बता रहे कि फर्म अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट या रेमुनरेशन लिमिट से ज्यादा दे रहा है तो जितना एक्सेस पोर्शन है वो डिसअलाउड होगा, और वो आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, ये वाला जो पूरा पॉइंट है 21 का सी, ये तो तभी एप्लीकेबल होगा ना जब मेरा क्लाइंट कोई पार्टनरशिप फर्म हो या एओपी हो, अदरवाइज थोड़ा ही चेक करेंगे। आज अगर मेरा क्लाइंट एक कंपनी है, देन आई डोंट हैव टू चेक दिस 21 का सी। अब आओ वो लिमिट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रहा क्लॉज 21 का सी, सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट वाला और सेकंड है रेम्यूनरेशन। तो इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है, 12% और द अमाउंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड व्हिच इज लोअर, इससे ज्यादा कुछ भी दोगे डिस अलाउड। रेमुनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया हुआ अलाउड होना चाहिए, डीड में मेंशन होना चाहिए। रेमुनरेशन में लिमिट्स कितनी है, पहला 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट तक 1.5 लाख और 90% व्हिच इज हायर बैलेंस के ऊपर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब वो क्या होता है, प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर द पीजीबीपी प्रोविजन एक्सेप्ट बिफोर डिडक्टिंग रेमुनरेशन टू पार्टनर। ये रहा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पीजीबीपी चैप्टर बट बिफोर रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर, मतलब विदाउट डिडक्टिंग द रेमुनरेशन जो आता है उसको होता है बुक प्रॉफिट। तो 90% 60% का लिमिट होता है, उससे ज्यादा दोगे तो फिर वो डिसअलाउड है, और वही हमको बताना भी है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया 21 का सी। डी, डी बड़ा मजेदार है और एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, इसके ऊपर पीछे भी क्वेश्चंस है जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाँ, डिस अलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3। अब ये सीन क्या है सुन लो, ये दो पार्ट है, नंबर ए नंबर बी। ये पहला वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 40A3, और जो नीचे वाला पोर्शन है ना, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहेंगे डीम्ड इनकम। ये 43B वाला डीम्ड इनकम नहीं, ये दूसरी चीज है, अंडर सेक्शन 40
ए का 3A, ठीक है। तो दो सेक्शंस है, ए के मेरे हाथ के ठीक बगल में देखो 40A का 3, और नीचे देखो 40A का 3A, ठीक है। ए के 40A का 3 और ए के 40A का 3A, दोनों में शब्द थोड़े अलग हैं। ऊपर वाले को डिसअलाउंस बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डीम्ड इनकम। अब ये नौटंकी क्या है, ये सबसे फेमस नौटंकी है। लिख लो यहाँ पे 10,000 35,000, 10,000 35,000, 10,000 रुपए के ऊपर कोई भी पेमेंट अगर आप करोगे तो इट हैज टू बी बाय अकाउंट पे ई चेक, अकाउंट पे ई ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आपने उसको कैश में कर दिया, मतलब कच्चे में कर दिया, अकाउंट पे ई चेक, ड्राफ्ट, ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, नेट बैंकिंग से नहीं किया, तो फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 के ऊपर कोई भी पेमेंट इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल डे, ठीक है। 35,000 किस पे होता है, 35,000 उन असेसीज पे एप्लीकेबल होता है हु आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, मतलब ट्रांसपोर्ट का जिनका काम है ना, उनके लिए एक दिन में 35,000 तक का कैश पेमेंट अलाउड है। एक दिन में 35,000 तक का कैश पेमेंट अलाउड है, ठीक है, इन अ सिंगल डे। तो उसी के ऊपर ये बनाया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि डिसअलाउड हो जाएगा। अब नीचे वाला ये जो बी है, डीम्ड इनकम, ये क्या है वगैरह, ये मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार ध्यान देना इधर प्लीज, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, इनकम टैक्स में असेसी को ये चॉइस होता है कि वो मर्केंटाइल बेसिस या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है, अथवा वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकता है। नाउ मोस्ट ऑफ द असेसीज इनकम टैक्स में मर्केंटाइल या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। तो अंडर अक्रूवल बेसिस मोस्ट एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन, केवल कुछ एक हैं जो 43B में बोले हुए हैं उसको छोड़ के, मोस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन जो है वो आपको अक्रूअल बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पिछले साल, आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं पे कोई खर्चा किया था 50,000 रुपए का, ठीक है, अक्रू हो चुका था वो एक्सपेंडिचर पर पे नहीं हुआ था, तो अक्रूअल बेसिस में आपने 50,000 का एक्सपेंडिचर डाल भी दिया था, आपको उसका डिडक्शन मिल भी गया था अक्रूअल बेसिस पे। इस साल जब आपने वो पेमेंट किया तो आपने पेमेंट करते वक्त 50,000 इन अ सिंगल डे कैश पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया ना सिंगल डे। तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज वो इस प्रीवियस ईयर में आपने डाला ही नहीं पीएल में कि डिसअलाउ होगा, वो तो आपने पहले ही पुराने सालों में डाल के उसका डिडक्शन भी ले लिया है। तो इस साल वो डिसअलाउ नहीं बोलेंगे, इस साल उसको हम लोग जोड़ देंगे, इट विल बिकम डीम्ड इनकम ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। सो एक्सपेंडिचर फॉर विच डिडक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन ऑन अक्रूअल बेसिस इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर बट पेड इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड द अमाउंट वॉज मोर देन 10,000, 35,000, इट वॉज पेड इन कैश इन अ सिंगल डे, देन दैट अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड बिजनेस इनकम ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। यह है 40A का 3 है। तो डिस अलाउंस बेसिकली मतलब वो करेंट ईयर का खर्चा है, और डीम्ड इनकम बोलने का मतलब वो पुराना कोई खर्चा था, आपने इस साल भुगतान किया, पेमेंट किया, और एक दिन में आपने कैश पेमेंट बड़े अमाउंट का कर दिया, 10,000, 35,000 से ज्यादा का, ठीक है। तो ये है पूरा सीन। अब इसमें एक रूल 6DD बीच में आ जाता है। रूल 6DD में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां पे आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। आओ देख लेते हैं, ये रहा 40A का 3, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो येलो कलर दिख रहा है, 40A का 3। ऑन अ सिंगल डे अगर आपने 10,000 या 35,000 से बेसिक का पेमेंट कर दिया, डिस अलाउड। ये रूल 6DD है, ये जो हाईलाइट किया रूल 6DD, ये वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे कैश पेमेंट अलाउ होता है। जैसे अगर आप पेमेंट कर रहे हो आरबीआई को या किसी बैंक को या गवर्नमेंट को, आप LC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर रहे हो वो भी चलेगा, बिकॉज वो तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही हो रहा है। आप म्यूचुअल सेट ऑफ अगर कर रहे हो, किसी पार्टी से लेना भी है देना भी है, तो पेमेंट करने के बाद सेट ऑफ ही कर लिया, बोला वो भी चलेगा, बहुत बढ़िया। फार्मर्स लोगों को अलाउड है, ठीक है, विलेज टाउन में जहाँ बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहाँ अलाउड है। लीगल एयर या एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 50,000 तक का अमाउंट, 50,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 50,000 तक का अमाउंट अगर आप एम्प्लॉय या उसके हेयर को दे रहे हो ऑन रिटायरमेंट चलेगा। स्ट्राइक के दिन चलेगा, जब बैंक बंद थे। वेयर पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट, ठीक है।
तो वो भी चलेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब 40A का 3A, ये बेसिकली है कि पुराने सालों का एक्सपेंडिचर था, तब अक्रूवल पे डिडक्शन ले लिया था, इस साल पेमेंट कर रहे हैं और एक दिन में कैश पेमेंट कर दिया लंबा 10,000 35,000 ज़्यादा, तो उसको इसी साल का डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम ऑफ दिस ईयर। तो ये था क्लॉज 21D, क्लॉज 21D, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलो देखते हैं। क्लॉज 21D और इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर कौन सा है? 40A का 3 होगा, नहीं तो 3A होगा, 3A तब होगा जब पिछले साल का हो। प्लॉय लिमिटेड एंगेज इन द लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज मतलब इनकी लिमिट एक दिन की कितनी है? 35,000 पर डे। हम लोगों को टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया है और हम लोगों ने ये तीन केसेस देखे, बताइए आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ 6 इनवॉइसेस ऑफ 5,000 ईच, तो 6 इनवॉइस है, 5,000 एक एक, तो 5,000 × 6 कितना होता है? 30,000, तो 30,000 तो 35,000 के लिमिट के अंदर ही है, अलाउड। पेमेंट ऑफ 2 इनवॉइसेस ऑफ 18,000 ईच, अब 2 इनवॉइस ऑफ 18,000 मतलब ये हो गया आपका 36,000। मेड इन कैश टू मिस्टर वाई ऑन 5 जुलाई एंड 6 जुलाई रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ऐसे तो ये 18,000 का 2 इनवॉइस है, लेकिन ये आपने अलग अलग दिन पेमेंट किया है, देखो आपने 5 जुलाई और 6 जुलाई को, तो एक सिंगल डे में 18,000, फिर अगले दिन भी 18,000, तो इन अ सिंगल डे तो 35,000 क्रॉस नहीं हो रहा ना, तो चलेगा। अगर यही एक ही दिन में पे हो जाता तो 36,000 तो डिसअलाउड, लेकिन अलग अलग दिन आपने पे किया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई को आपने एक दिन 18 दिया, अगले दिन फिर 18 दिया, तो इन अ सिंगल डे 35,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हुई, अलाउड। लास्ट, पेमेंट ऑफ 40,000 मेड इन कैश टू जेड ऑन 7 जुलाई अगेंस्ट एन इनवॉइस फॉर एक्सपेंस बुकड इन 17-18। ओ, पुराने किसी साल में 40,000 का खर्चा बुक किया था और उसका डिडक्शन भी ले लिया होगा, इस बार एक ही बार में 40,000 पे कर दिया इस साल में, तो ये तो आइडियल केस है 40A 3A का, तो इट विल बी डीम्ड इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19। आपने पे कब किया? जुलाई 18, मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए वो डीम्ड इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो डीम्ड इनकम मतलब वो बेसिकली डिसअलाउ हो गया, और क्या। तो ये इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन, इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन भी, आओ देख लेते हैं। ये देखो पूरा लिखा हुआ आंसर एकदम सजा के, पहले वो प्रोविजन लिखे हुए हैं, क्लॉज लिखे हुए हैं, फिर ये रहा कॉन्क्लूजन 1, 2, 3। ये क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता ही एकदम। यू आर द टैक्स ऑडिटर ऑफ बीएल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्लाइंग ऑफ गुड्स, तो इनके लिए भी लिमिट है 35,000 पर डे की लिमिट है इनकी भी। हैविंग अ टर्नओवर ऑफ फलाना ढिमका, यू हैव टू रिपोर्ट। नंबर वन, पेमेंट ऑफ 50,000 इन कैश टू आर ऑन 10 सितंबर 19। 10 सितंबर 19 का मतलब होता है 19-20 प्रीवियस ईयर है। सेट टुवर्ड सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपेंसेस अकाउंटेड इन 18-19, तो पिछले साल का खर्चा था और इस साल आप कर रहे हो, तो वही साल का डीम्ड इनकम बन जाएगा, क्योंकि 50,000 है, 35,000 के ऊपर है। ये अभी जो इलस्ट्रेशन किए थे ना हम लोग, उसका थर्ड पार्ट ऐसा ही तो था, डीम्ड इनकम 40A 3A। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 3 इनवॉइस 15,000 ईच मेड इन कैश टू मिस्टर वाई ऑन 8th, 9th, 10th, तो आपने 15,000, 15,000, 15,000 तीन अलग अलग दिन में किया है, तो सिंगल डे लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, तो अलाउड है। ये भी इलस्ट्रेशन से मैच करता हुआ है, ठीक है। पहले आप ये ज्ञान लिखोगे, फिर अल्टीमेटली कॉन्क्लूजन, ओके। एक और क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखी जाए, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में इनवॉइस कैसे बन रहा है उससे मतलब नहीं है, बोला हुआ सीधा है कि टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे अगर आप 10,000 35,000 ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा इन कैश, अगर आप अकाउंट पे ही चेक वगैरह से कर रहे हो तो चलेगा। एक कंपनी के 6 एम्प्लॉइज हैं, होटल में रुके हैं कंपनी के पर्पस के लिए ही, एक एक जन का बिल है 7,500 का, तो होटल वालों ने एक सिंगल बिल दिया है 45,000 का, ठीक है। नहीं, 6 अलग अलग बिल दिए हैं पर मिला के 45,000 हो रहा है। एक सेकंड,
होटल ने 6 बिल दिए, एक एक 7,500 का बिल है, तो बिल अलग अलग बनाने से फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट तो 45,000 का हुआ है ना एक ही दिन में। द कंपनी पेज द अमाउंट इन कैश टू द होटल, तो एक ही बार में एक ही दिन में होटल वाले को 45,000 पे कर दिया। कंपनी बोलती है कि एक एक बिल अगर आप देखो तो वो तो 7,500 का 10,000 के लिमिट के अंदर है, तो अलाउ होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे बिलिंग कैसे बना उससे मतलब नहीं है, एक पर्सन को एक दिन में अगर आप 10,000 के ऊपर पे करोगे तो डिसअलाउड है। तो ये डिसअलाउड है, हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन क्लॉज 21D। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। ये रहा, हम लोगों ने 21 का ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया और डी भी कर लिया। अब हमें करना है ई एफ जी एच आई, छोटे छोटे हैं देखो, ई छोटा सा है, फिर एफ, फिर जी एच आई, तो ये छोटे छोटे, बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, बड़ा क्लॉज था ये। इस ये तो इजी है, यहां से पढ़ते समझ जाओगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रिएट करती है। तो प्रोविजन, अगर आप ग्रेचुटी के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो, एम्प्लॉयर कोई प्रोविजन क्रिएट करता है तो वो डिसअलाउड है, लेकिन एम्प्लॉयर अगर एक्चुअल पेमेंट करता है या किसी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में डालता है तो वो अलाउड होता है, प्रोविजन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40A क्लॉज 7। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, पर अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और उसको पेमेंट किया जा रहा है एक्चुअली तो वो अलाउड है, या बॉस अगर किसी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में डाल रहा है तो अलाउड है। एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। अब जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, या ग्रेचुटी फंड हो गया, थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोविडेंट फंड सबको पता है भारत सरकार के पास जाता है, पेंशन फंड दैट्स ओके, सुपर एनुएशन फंड का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी में एकदम रिटायरमेंट एज तक रहकर फिर निकलता है तब उसको अलग से सुपर एनुएशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आज के दिन सुपर एनुएशन के लिए जो एज है वो 58 ईयर्स है, मतलब लास्ट एज रिटायरमेंट एज 58 के ओके अगर आप निकलते हो अगर कंपनी से तो सुपर एनुएशन कहलाता है, एंड लास्ट इज ग्रेचुटी फंड। अब ये सब अगर अप्रूव्ड फंड्स हैं और उसमें बॉस डाल रहा है तब तो अलाउड है, लेकिन अगर ये सब आप किसी अनअप्रूव्ड फंड में डाल रहे हो तो फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A 9। तो ये वही है, उसी के ऊपर है, छोटा सा नंबर जी। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट नेचर, कंटिंजेंट लायबिलिटीज वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट एच नंबर, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम्स विच आर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड इनकम के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका डिडक्शन नहीं मिलता। बिकॉज सरकार सीधा बोलती है कि यार जब मैं तुम्हारी इनकम पर टैक्स नहीं लगा रहा हूं तो उससे जुड़े हुए खर्चे का भी तुम अपने दूसरे बिजनेस के एक्सपेंसेस में मर्ज नहीं कर सकते, तो एग्जेम्प्टेड इनकम से कनेक्टेड जो भी खर्चा होता है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 14A में भी बोला हुआ है, ठीक है। और एक लास्ट है, अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 36(1)(3), ये क्या होता है सुन लो, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आता है AS 16 में, ठीक है। आपने कोई लोन लिया है फॉर अक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई लोन लिया फॉर अक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट, उस लोन पर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज,
जब तक वो, जब आपने जो लोन लिया उस तारीख से लेके जब तक आप उस एसेट को पुट टू यूज नहीं करते, तब तक का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स होता है वो उस एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है और फिर बाद में उसका डिप्रिसिएशन क्लेम होता है, दैट इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये तो हम लोग AS16 में ही बोलते हैं, AS16 में क्वालिफाइंग असेट बोल के एक होता है ना, क्वालिफाइंग असेट, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट का कॉस्ट ऐड कर देते हैं। सो एनी इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फॉर अक्वायरिंग अ फिक्स असेट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज ऑफ दैट असेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बट इट कैन बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट और बाद में उसका डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये था प्रोविजो, प्रोविजन नहीं होगा, ये होगा प्रोवाइजो, प्रोवाइजो टू सेक्शन 36 का 1 का 3, ये बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर है। ओके, सो ये था अपना पूरा 21 का ABCDEFGHI, काफी लंबा था, ठीक है, काफी लंबा था। मैं इसकी एक छोटी सी समरी बनाना चाहता हूँ ताकि याद रखने में, रिवाइज करने में तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। ओके, एक बार मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, अब आप कॉपी पे आ सकते हो, नहीं तो मैं ये बना रहा हूँ, फोटो भी ले सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। A, अमाउंट डेबिटेड टू P&L बट नॉट अलाउड, तो उसमें क्या क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर्सनल एक्सपेंडिचर था, पेनल्टी पेड फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ, क्लब एट्सेट्रा। 21B, ये तो बहुत बड़ा था, इसमें बहुत वैरायटी थी, लेकिन 21B का सबसे फेमस पोर्शन जो था वो वही था, TDS वाला, ठीक है। TDS नॉट डिडक्टेड या नॉट पेड ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट्स या रेसिडेंट्स, ये मेन पोर्शन था 21 का सी। इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पेड इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स टू पार्टनर्स, 21D, ये भी बड़ा था, ये 10,000 और 35,000 वाला है। पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो 35,000 इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, फिर रूल 6GD एटसेट्रा, वो सब तो है ही। 21E, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड। 21G होगा ना, EFG, हाँ। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ट्वेंटी वन एच, सेक्शन 14A, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स या फिक्स असेट्स बोल लो अप टू द डेट ऑफ
टू यूज़। तो ये अभी आपके सामने एक देखो छोटा सा एक समरी हो गया, इतना बड़ा क्लॉज है तो पूरा पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना, तो फटाक से इसको देख के जा सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने अभी तुम लोगों के साथ एक क्लॉज 21, बहुत लंबा क्लॉज था, पूरी एक सेशन इस पर ले लिया। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड कुछ 1.25 घंटे के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो आज की ये टैक्स ऑडिट 3 की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग। अगले क्लास में वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी लेके मैं पुट करूँ। आई विल बी टेकिंग क्लास 22 ऑनवर्ड्स। और आज की इस वीडियो में मैं टैक्स ऑडिट 1 और 2 के वीडियो लिंक्स और नोट्स के लिंक्स भी डाल दूंगा, और आज की क्लास के टैक्स ऑडिट 3 का नोट्स भी मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन का जो नोट्स आप देख रहे हो ये कुछ नहीं, आप चाहो तो अपने PGBP के बुक से भी दे सकते हो। तो ये सब एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स तो मैं नहीं पुट करूंगा, ठीक है, पर ये मेन नोट जो क्लॉज का है चैप्टर का वो मैं पुट कर दूंगा। ओके, आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।